देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। गांव में घुसी जंगली नीलगाय, लोग होते रहे परेशान। राधोगढ़ के ग्राम पंचायत सावत खेड़ी में जंगली नीलगाय आ गई। वो गांव वालों को देखकर उनको मारने के लिए दौड़ रही थी। गांव वालों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से जंगली नीलगाय को पकड़ा और वन विभाग के अधिकारी उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। आज छात्र संघ चुनाव में दावे आपत्ति भरने की अंतिम तिथि थी, जिसमें किसी भी छात्र के द्वारा किसी भी तरह की कोई दावे आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। ज्ञात रहे कि आगामी 30 तारीख को छात्र संघ चुनाव होने हैं, वहीं 28 तारीख को कितने छात्र प्रतिनिधि इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं ये पता चल सकेगा। देखना यह है, जहां महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया गया है, तो कैसे और कौन सी पार्टी महिला नेत्री छात्र संघ चुनाव का नेतृत्व करते हैं। और दावा पत्र नहीं आई ना। छात्र संघ चुनाव में आज 3 बजे तक, 11 से 3 बजे तक दावा आपत्तियाँ आना थी, जिसमें किसी भी छात्र ने कोई भी दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। चुनाव 30 तारीख को होना है, 28 को नामांकन भरे जाएंगे। 10 से 11 में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। 28 को ही प्रत्याशियों की पता चला है कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का आज विशाल धरना प्रदर्शन पुराने कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ मौजूद रहे। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा जन विरोधी नीतियों का होना तथा गुना जिले में दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग एवं अन्य अल्पसंख्यक के छात्र हो रही बर्बरता तथा दबंगों द्वारा दलित आदिवासियों की हत्या कर बलपूर्वक उनकी जमीनों पर कब्जा करना है। यह धरना प्रदर्शन इसी तरह की घटनाओं के विरोध में था, जिसके बाद एक ज्ञापन भी महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर राजेश जैन को दिया गया। आज इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में साथियों आदिवासी जो पहले था उसके लिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह की तैयारी है कि गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांधने के लिए तैयार हो जाओ। आज देश भेद अंतर के हिसाब से हमको पशु समझा जाता है और सरकारों के हिसाब से हमें पशु से बदतर समझा जाता है। हमारे साथ हमारी ठुकाई होती है, हमारी पिटाई होती है, ऐसा होता है। सम्मान्य साथियों, कब तक चलेगा? और ये ऐसा कब तक चलेगा? जब तक आप लोगों की समझ में यह बात नहीं आएगी। सम्मान्य साथियों, 19 भी हमारी है और 18 भी हमारी होने वाली है। ये शिवराज और नरेंद्र मोदी का भारत नहीं है, ये भारत बहुजन समाज का भारत है। ये भारत सम्राट अशोक का भारत है। इसलिए सम्मान्य साथियों, इस मौके पर ज्यादा लंबी चौड़ी बात न रखते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बहु हत्याकांड को लेकर के ये बात रखी थी कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, मेरा थाने का थानेदार राकेश गुप्ता और इजे के DSP 2, ये दोनों के मिले भगत से हमारे एक आदमी की हत्या हुई है। मेरे साथियों, माइनॉरिटी मुस्लिम अकलियत के लोगों के साथ में साथियों बड़े पैमाने पर पूरे देश में और खास करके विशेष रूप से ये मध्य प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, लूट, डकैती। जिला स्तरीय मोगली उत्सव का हुआ आयोजन।
इस कार्यक्रम में पहले से ब्लॉक स्तरीय पर छात्र छात्राओं का चयन किया गया था। उनकी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहले ब्लॉक स्तरीय फिर जिला स्तरीय लेवल पर छात्रों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आशीष टाटिया मौजूद रहे। चित्रकूट में आयोजित होता है तुलसी समारोह, चित्रकूट में आयोजित होता है तुलसी समारोह, चित्रकूट में तुलसी समारोह चित्रकूट में आयोजित होता है, क्या ये कथन सत्य है? हमारी कन्या विश्वविद्यालय से अजय निगरी का, आज हमारे यहाँ जिला स्तरीय मोगली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्लॉक स्तर से चयनित विभिन्न दलों के द्वारा जो है सहभागिता की जा रही है। इस कार्यक्रम में प्रश्न मंच के माध्यम से कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग से एक बालक और एक बालिका को राज्य स्तर के लिए चयनित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में श्री आशीष टाटिया जी आए हैं। क्विज मास्टर के रूप में श्याम बिहारी शर्मा जी हैं। मास्टर रनर के रूप में श्री वी के जैन उपस्थित हैं। प्राचार्य उमाभि पगारा से श्री वशिष्ठ जी यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। माता के भजनों में झूमे श्रद्धालु। माँ वैष्णो देवी मंदिर समिति द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन भगवान राम का जन्म हुआ और सभी श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसी क्रम में विधायक जयवर्धन सिंह भी श्री राम कथा में सम्मिलित होने पहुंचे। वहां पर उन्होंने माँ की आरती की और आशीर्वाद प्राप्त किया, साथ ही श्री राम कथा भी सुनी, जहाँ समिति द्वारा विधायक का माला पहनाकर स्वागत किया गया। शाम 7 बजे से आरती के बाद कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें संगीतकार महेश वंशकार व उनकी टीम के द्वारा भजनों का वक्तगण आनंद ले रहे हैं। आज हमारे यहाँ उपस्थित हमारे श्री राम कथा कर रहे हमारे श्री परम पूज्य पारिक जी और साथ में उनके उपस्थित हमारे सभी मंडली के सभी सदस्यगण और विशेषकर वार्ड 11 बरबटपुरा और पूरे रावगढ़ शहर से यहाँ पर हारे मेरे सभी भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। और विशेषकर जो हमारी बजरंग फाटक समिति है, जो आज हमारे युवा साथी भी साथ यहाँ उपस्थित है, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वैसे भी आज इतना शानदार यहाँ पर माहौल है, इतना सुंदर वातावरण है, चारों तरफ से हवा आ रही है और इतना सुंदर हमारा पूरा रावगढ़ शहर दिख रहा है, तो आज के शाम को जो आप सबने यहाँ पर इतनी सुंदर भागवत कथा आयोजित की है, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से भगवान राम का आशीर्वाद आप सब पर, हम सब पर हमेशा बना रहे और इसी प्रकार से हम हमारे प्यारे से रावगढ़ शहर को और विकसित बनाएं और यहाँ पर काम करें, गरीबों के लिए मेहनत करें और विशेषकर जो हमारी माता बहने हैं उनके जो भी काम हो वो हम पूरे करें। Oh,
माधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। रात के समय तकरीबन 2 बजे श्री रामेश्वरम धाम की बस शिवपुरी से इंदौर जा रही थी। इस बीच राधोगढ़ के समीप जेपी कॉलेज के पास अचानक बस का पहिया खुल गया और बस एक तरफ आकर रुक गई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। इस बस में सवारियां भरी हुई थी, लेकिन सवारियों को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई। यात्री रात भर परेशान होते रहे। समस्या परे है कि आरटीओ विभाग कितना उदासीन बना हुआ है कि इस तरह की बस चल रही है और आरटीओ ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। यहाँ बड़ा सवाल यह कि यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ लटेरी में स्मैक पीने वालों की मौतों के बाद अब मकसूदनगढ़ में भी स्मैक पीने वालों की मौतों का मामला सामने आया है। भारत सिंह अहिरवार लटेरी निवासी, जो कि स्मैक पीने का आदि था, उसकी लाश आज मंडी टीन शेड में पाई गई। भारत सिंह की लाश के पास ही इंजेक्शन और चिलम भी पाई गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भारत अहिरवार के परिजनों को बुलाकर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। पेशे से भारत सिंह के पिता गणेश राम अहिरवार पटवारी हैं। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। शेर के होने की अफवाह से रात भर ग्रामीण और वन विभाग का अमला होता रहा परेशान। म्याना के पास खोकर गांव में किसी ने शेर के पंजे देखे जाने की बात कही, जिससे गांव के सभी लोग दहशत में आ गए। वहीं वन विभाग के अमले को सूचना दी गई, जिसके बाद रात्रि 2 बजे तक करीब आधा दर्जन वन विभाग के कर्मचारियों ने सर्च किया, पर शेर नहीं मिला। खेत में शेर के पंजे को देख कर वन विभाग का अमला बोला, शेर नहीं कोई और जानवर हो सकता है। उसकी मतलब पानी देने को लोग जा नहीं पाते हैं और उसके पानी की जगह पे पंजा उसरे हुए हैं। कई जगह मतलब छोटे बच्चे को मिला भी है, दूर से देखा भी है। उनने आज रात में आई थी, हाँ दिया था, 5-6 लोग आए थे। उन्हें जगह जगह किसानों को साथ में हम लोगों को लेके गए थे तो उन्हें मिला नहीं। वो ये कहा कि जो मरे जानवर को खाता है वो शेर नहीं है, दूसरा नाम का जानवर है। म्याना से शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। स्थानीय शासकीय महाविद्यालय में आज आगामी 30 तारीख को होने वाले छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर सभी मतदाता छात्रों के नाम चस्पा किए गए हैं। इन सभी नामों की लिस्ट आज प्रभारी प्राचार्य वीके तिवारी ने नोटिस बोर्ड पर चस्पा की। बता दें कि आगामी 30 तारीख को छात्र संघ चुनाव होना है। और को बुला ले किसी को। नंबर
शुरू होने जा रही भागवत कथा के लिए निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बता दें कि आज से प्रारंभ होने वाली भागवत कथा का समापन 3 नवंबर को होना है। यह भागवत कथा प्रताप छात्रावास में भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति के तत्वाधान में आयोजित की जाएगी। इसमें कथावाचक पंडित संजय पौराणिक, जो कि सागर के रहने वाले हैं, के मुखावरविंद से होगी। पंडित संजय पौराणिक विगत 10 वर्षों से गुना में भागवत कथा कर रहे हैं। आयोजकों ने ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं से इस भागवत कथा को सुनने के लिए आह्वान किया है। खान का नया आदेश, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने एक नया आदेश दिया है। ज्ञात हो कि जिला पंचायत की मीटिंगों में ज्यादातर देखा जाता है कि महिला सरपंच के पति या रिश्तेदार या अन्य कोई सहयोगी उनके साथ आते हैं। या तो महिला सरपंच नहीं आती या तो उनके पति या रिश्तेदार आकर मीटिंग में सम्मिलित होते हैं। इसके मद्देनजर एडीएम नियाज अहमद खान ने एक नया आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार पंचायत कार्यालय में कोई भी सरपंच पति या अन्य रिश्तेदार उनके साथ नहीं आएगा, ना ही कार्यालय के आसपास वहां दिखाई देगा। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें अब से महिला सरपंचों को अपना काम खुद ही करना होगा। साथ ही पंचायतों में भी उनके द्वारा निगरानी रखी जाएगी। संभवतः यह देश का पहला मामला है। बेसिकली ये कंट्रोल रूम सरपंच पतियों के द्वारा धड़ल्ले से सरपंच महिलाओं की जगह काम किया जाता है, और करीब हमने चिन्हित किए हैं ऐसे 235 सरपंच पतियों के नाम हमारे पास आए हुए जनपद सीओ ने भेजे हुए हैं, और काफ़ी इसकी हम लोगों ने गहन चिंतन किया, अध्ययन किया और अपने अधिकारियों से चर्चा की, तो यह पाया गया कि अधिकांश सरपंच पति सरपंच पत्नी काम नहीं करती बल्कि खुद काम करते हैं, और सरपंच महिलाएँ घर पर रहती हैं और कहीं थोड़ा बहुत काम करते हैं तो केवल औपचारिकता होती है जहाँ पर उनसे हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। और स्थिति यहाँ तक गंभीर हो चुकी थी कि ये सरपंच पति दबाव बनाते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, भद्रता भी करते हैं अधिकारियों के साथ, और सरकारी दस्तावेज भी साइन भी करते हैं। चूँकि पंचायत राज अधिनियम 1993 का बेसिक उद्देश्य यही था कि स्थानीय निकायों को मजबूत करने के साथ साथ महिलाओं को मजबूत किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए, लेकिन जिस तरह से चीज़ें अभी जिले में अध्ययन के बाद पाई हैं तो महिलाओं के अधिकारों को उनके पतियों द्वारा छीन लिया गया है, उन्हें घर में बैठा दिया गया है। इस प्रकार से महिलाएं अपने अधिकार को उपयोग से वंचित हैं, और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, महिलाओं की पुनः उनका अधिकार दिलाने के लिए कठोर कार्रवाई की गई है, और इसीलिए इस पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अगर सरपंच की महिला सरपंच की ओर से उसका पति अधिकारों का प्रयोग करने की कोशिश किसी भी स्तर पर करता है तो इसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इतना नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सारे इंजीनियर हों, चाहे उपयंत्री या असिस्टेंट इंजीनियर हों, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हों, हमारे पंचायत सचिव हों, रोजगार सहायक हों, इन सबकी जवाबदारी रहेगी कि सरपंच पतियों का आदेश न मानेंगे। और यह पाया जाता है कि ये भी सहयोग कर रहे हैं सरपंच पति के काम में, तो इसे आपराधिक कृत्य मान के जाकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कई जगह हमें हाल ही में अभद्रता और बदतमीजी की शिकायत मिली है अधिकारियों के साथ, तो हम सभी जनपदों में कैमरे लगवा रहे हैं ताकि इनकी रिकॉर्डिंग की जा सके वहाँ पे। और इन पूरे प्रक्रिया के अंदर ये भी कहा गया है सीओ को कि पुलिस और प्रशासन की पूरी मदद लें। वहीं ये भी कहा गया कि चूंकि गांव के अंदर समस्याएं जनता की बहुत सी रहती हैं, अतः महिला सरपंच वहाँ पे बैठे कम कम 2 घंटा बैठे जाकर के सारे दफ्तर, घर के अंदर कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, ना रिकॉर्ड ले जाने दिया जाएगा महिला सरपंचों के, जो पति लोग दबाव डाल के रिकॉर्ड घर पर बुलाया करते थे। और वहीं ये भी बात, चूँकि महिला सरपंच घरों पर हैं, पति ही काम लगातार कर रहे हैं, तो उनको जानकारी भी अकाउंट की और दूसरे दीगर कामों की नहीं है, तो इसके लिए मैंने पृथक से कार्यक्रम जारी किया जनपदवार। सभी विकास खंडों में एडिशनल सीओ और
हमारे अकाउंट ऑफिसर प्रशिक्षण देंगे इन महिला सरपंचों को, और पूरी कोशिश ये है कि इनको पूरी तरह ट्रेंड किया जाए और जिन महिलाओं का अधिकार जिन गांवों के अंदर चुनाव जीत के आई हैं वही अधिकार उसका प्रयोग करें और किसी भी हाल में इनका प्रयोग अन्य कोई न करने पाए। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।